हेलो दोस्तों, कार मिरर के आज के एपिसोड में एक नई चीज़ लेके आते हैं हम कि एक सब्सक्राइबर है मेरे, उन्होंने एक सवाल पूछा था। मेरे को लगता है कि इस सवाल का जवाब हर एक कोई ढूंढता है, तो आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि एंट्री लेवल की कार पहली बार लेनी है। एंट्री लेवल के मेरे कहने का मतलब यानी कि थोड़ा अप वाली, अगर हम सेलेरियो या आल्टो 800 या टियागो वाली बात नहीं करना, थोड़ी सी ऊपर की कार है उसकी, यानी कि जिसमें उन्होंने पूछा है नियोस, टियागो, फिगो या इग्निस, इनमें से मैं कौन सी कार लूँ। फर्स्ट टाइम बायर के लिए भी है ये बात, और 10 से 15 साल उन्हें रखनी भी है कार, मेंटेनेंस भी कम होनी चाहिए, माइलेज भी ज़्यादा होनी चाहिए। और बाद में मैंने पूछा कि आपको चाहिए कैसी कार या कितने किलोमीटर आपने चलना है, तो 500 किलोमीटर उन्हें हर महीने चलना है, 150 किलोमीटर उन्होंने सिटी में चलना है और 350 किलोमीटर उन्होंने हाईवे पर चलना है, तो मिक्स कंडीशंस के अंदर चलना है उन्होंने। ऐसा है, मैं इसके अंदर 1, 2, 3, 4 करके नहीं डिफाइन करूँगा, इसमें मैं आपकी ज़रूरत के हिसाब से करूँगा, किस जरूरत के लिए कौन सी कार परफेक्ट रहेगी, उससे नीचे कौन सी कार आती है, वैसे चलते चलेंगे। अब आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन चीज़ों को देखकर कार को चूज़ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों, पहले जो विकास जी की ज़रूरत है उसको देख के शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइम बायर है तो जाहिर सी बात है कि फ़र्स्ट टाइम बायर के लिए चीज़ों को समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक्सपीरियंस नहीं होता गाड़ियों के लिए कि कौन सा पार्ट कहाँ पे अवेलेबल होगा, या कोई चीज़ छोटी सी दिक्कत आ जाती है तो खुद हैंडल कैसे करना उसको, तो ऐसे पर्सन के लिए ऐसी गाड़ी लेना ज़्यादा बेटर रहता है जिसका कि सर्विस नेटवर्क या जिसकी की डिमांड या जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा गाड़ी हो। यानी कि मेरे कहने का मतलब कि उस पर्सन को मारुति सुजुकी या हुंडई की गाड़ी के ऊपर जाना चाहिए। तो फर्स्ट टाइम बायर के लिए ये प्रेफरेंस सामने रखनी चाहिए, क्योंकि अगर तो आप कहीं बाहर गए हुए हो तो सर्विस नेटवर्क बहुत बड़ा है इनका, तो कहीं ना कहीं इसका कोई ना कोई सर्विस सेंटर तो आपको मिल ही जाएगा। और दूसरी बात, छोटे मोटे जो पार्ट्स की प्रॉब्लम आ जाती है तो वो लोकल मैकेनिक भी चेक करके आपको रिजॉल्व करके एटलीस्ट दे सकता है। तो ये सबसे पहला पॉइंट फर्स्ट टाइम बायर के लिए होना चाहिए। दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला है 10 से 15 साल गाड़ी रखनी है। 10 से 15 साल अगर गाड़ी रखनी है तो ऐसी गाड़ी होनी चाहिए जिसकी कि बिल्ड क्वालिटी सॉलिड हो, सस्पेंशन अच्छा हो, और ऐसी गाड़ी हो जो टिकी रहे मार्केट में और हमें भी एक रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी का एहसास दिलाए। फिर यहाँ पे मामला उल्टा हो जाता है, यहाँ पे टियागो और फिगो दोनों गाड़ियाँ थोड़ी अच्छी लगती हैं, जो कि आपकी फिट एंड फिनिश की क्वालिटी और प्लास्टिक क्वालिटी जल्दी ख़राब नहीं होती, उनकी पेंट क्वालिटी जल्दी ख़राब नहीं होती। मारुति सुजुकी के अंदर ये आमतौर पर पाया जाता है, कोई थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है या हल्के फुल्के, जैसे हम हाईवे पे चलते हैं तो जो मिट्टी के कण भी लगते हैं तो वो कपड़ा मारेंगे तो वो भी उसके ऊपर स्क्रैचेस नज़र आते हैं, तो यहाँ पे मामला थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, यहाँ पे टियागो और फिगो के ऊपर हम गौर करते हैं। अगली बात आ जाती है दोस्तों मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस चार्जेस भी बहुत मायने रखते हैं। वहीं पर बात आ जाती है कि पहले नंबर पर अगर मैं मेंटेनेंस चार्जेस कम की बात करूं तो पहले नंबर पर आ जाती है इग्निस, दूसरे नंबर पर आ जाती है फिगो, तीसरे नंबर पर आती है टियागो और चौथे नंबर पर आती है नियोस। ह्युंडई के पार्ट्स और सर्विस महंगी है, मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा महंगी है, डील ब्रेकर है, लेकिन अगर 1, 2, 3, 4 के हिसाब से देखें तो ये पड़ता ही है। इवन कई मामलों में फिगो सबसे आगे निकल जाती है, फिगो की सर्विस बहुत सस्ती है। अब इसको इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी क्या दिखाएंगे कि आपका जो सर्विस का वेबसाइट बना रखी है उसके ऊपर हर एक चीज़ को बाइफरकेट करके पार्ट्स तक की कीमतों को वहाँ पे रखा गया, इवन लेबर चार्जेस तक वहाँ पे दिखाया गया, इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट कुछ नहीं हो सकता। तो मेंटेनेंस कॉस्ट के हिसाब से मेरे हिसाब से कोई भी गाड़ियाँ इग्निस या फिगो कोई भी ले सकते हैं, कोई ऐसी परेशानी नहीं आएगी। और दूसरी बात, इन चीज़ों को इस मायने में भी रखते हैं कि ज़रूरी नहीं कि मेंटेनेंस की कॉस्ट सस्ती है तभी, मेंटेनेंस कितनी बार करानी पड़ती है वो भी हमें मायने रखता है, पता लगे कि कॉस्ट ज़्यादा नहीं है लेकिन बार बार जाना पड़ रहा है, दूसरी तरफ कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है लेकिन हमें जाने 6 महीने 8 महीने साल में एक बार जाना पड़ता है। फिगो के मामले में ऐसा नहीं है, फिगो के मामले में सर्विस भी आपकी टेन्योर के हिसाब से ठीक ठाक से टाइम पर करानी पड़ती है, कुछ ज़्यादा नहीं है और कॉस्ट भी कम है। तो इस मामले में 1, 2, 3, 4 पे हम ऐसे रख सकते हैं गाड़ियों को। तो दोस्तों अगली हम बात अगर शुरू करना चाहें तो कर सकते हैं माइलेज के लिए, जो टॉपिक इन्होंने दिए हैं मेरे को। माइलेज के अगर हिसाब से देखें तो दो गाड़ियां आगे निकल जाती हैं, पहले नंबर पे निकल जाती है इग्निस और दूसरे नंबर पे निकल जाती है आगे नियोस। अब ये बात इतनी भी बुरी नहीं है,
एक या सवा किलोमीटर का ज़्यादा ऑन रोड फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो आस्पेक्ट्स हैं तकरीबन एक जैसी ही सबकी माइलेज है। माइलेज के मामले में थोड़ी सी पीछे रह जाती है फिगो, पहले नंबर पे इग्निस, दूसरे पे नियोस, तीसरे पे टियागो और चौथे नंबर पे फिगो आ जाती है माइलेज के मामले में। लेकिन ये कोई ऐसा डील ब्रेकर नहीं है जिसको कि आप कहो कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ये आप आराम से इसको खपा सकते हो इसकी बाकी सारी खूबियों को देख के। अगली बात करते हैं दोस्तों, 500 किलोमीटर उन्हें चलना है, 150 किलोमीटर यानी कि 150 किलोमीटर उन्हें चलना है सिटी के अंदर, और बाकी 350 किलोमीटर उन्हें चलना है हाईवे के ऊपर। अब इस चीज़ को देखें तो नियोस को हटा दीजिए और इग्निस को हटा दीजिए, पीछे रह गई टियागो और फिगो। इन दोनों गाड़ियों में से भी फिगो को प्रेफर कीजिए, उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। कोई पाथ होल्स हैं या हाईवे के ऊपर आपको ज़्यादा चलना पड़ता है तो आपके लिए इग्निस नहीं बनी, आपके लिए फिगो ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि उसकी हैंडलिंग का कोई भी जवाब नहीं है, कोई तोड़ नहीं है उसकी हैंडलिंग का, बेहतरीन उसकी हैंडलिंग है। और 10-15 साल जैसे आप बता रहे हो वैसी वो गाड़ी आप रख भी सकते हो। प्रॉब्लम सिर्फ यही है गाड़ी के अंदर कि वो बनावटी चीज़ें उसके अंदर नहीं है, LED DRLs, प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स, ये चीज़ें सारी इसमें नहीं मिलेंगी। और इसका जो एसी है बहुत अच्छी कूलिंग करता है, बाकी सारी बेल्स एंड विसल्स ऑलमोस्ट उसके अंदर मिल जाती हैं। इवन फिगो की जगह फ्री स्टाइल को लेंगे तो और ज़्यादा इतनी अच्छी खूबियां उसके अंदर मिलेंगी, सेफ्टी पैक ऐसा मिलेगा कि किसी भी गाड़ी महंगी गाड़ी के पास भी नहीं होगा, उससे ऊपर की सेगमेंट की गाड़ी के पास नहीं होगा। तो निष्कर्ष दोस्तों ये निकलता है कि अगर आपने केवल और केवल सिटी ड्राइव करनी है, फर्स्ट टाइम बायर्स हैं जिनके कि आस पास में कहीं पर भी ज़्यादा बड़े सर्विस नेटवर्क या सर्विस सेंटर नहीं है, तो उनके लिए मारुति सुजुकी की या हुंडई की कोई गाड़ी लेना बेटर रहेगा। सर्विस कॉस्ट अगर आपको कम चाहिए तो फिर आपके लिए इग्निस और फिगो में से कोई गाड़ी चूज़ कर लीजिए, नंबर वन फिगो पे आ जाएगी। अगर आपको कोई ऐसी गाड़ी, जो 10-15 साल की बात कर रहा हूँ, इसमें एक नियोस के लिए एक और आस्पेक्ट जुड़ा हुआ है कि हुंडई की खासियत रही है शुरू से कि 2.5 से 3 साल बाद गाड़ी का टोटल रूपरेखा चेंज कर देते हैं ये, वरना आपके सामने रिजल्ट है या क्रेटा आपके सामने रिजल्ट है। लेकिन फोर्ड और टाटा वाले इतनी जल्दी गाड़ी का लुक चेंज नहीं करते, थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस कर देते हैं लेकिन इससे ज़्यादा चेंज नहीं करते। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखनी चाहिए कि 10-15 साल अगर आप कह रहे हो और गाड़ी रखनी है, 10 साल भी इवन आपने गाड़ी रखनी है, तो वो गाड़ी आइडेंटिकली दूर से ऐसे लगेगा हाँ यार बहुत पुरानी गाड़ी है, क्योंकि उस गाड़ी का ऑलमोस्ट काफ़ी कुछ चेंज हो चुका होगा। वो आप दूर से देखने ही पता लग जाएगा कि ये गाड़ी किस मॉडल की है या किस ईयर की मैन्युफैक्चर्ड है। तो ये थोड़ी सी एक अंदर अपने कॉम्प्लेक्स आता है कि नहीं यार ये मैंने गाड़ी गलत चूज़ कर ली, तो ये थोड़ी सी चीज़ ये भी देखिएगा। बाकी फीचर लोडेड अगर गाड़ियाँ चाहिए आपको तो फिर आप नियोस पे चाहिए, किसी और गाड़ी पे जाने की जरूरत नहीं है। सिटी ड्राइव में जाना है, सिटी ड्राइव में ज़्यादा रहना है तो फिर आपके पास इग्निस और नियोस है। माइलेज अच्छी चाहिए, इग्निस और नियोस ले लीजिए। अगर आपको पहली बार बायर हैं तो भी आप दोनों गाड़ी में से कोई भी चूज़ करिए। अगर आपको ड्यूरेबल गाड़ी चाहिए, रफ टफ गाड़ियाँ चाहिए, तो टियागो और फिगो में से ले लीजिए। मेंटेनेंस कम चाहिए तो फिगो ले लीजिए। पाथ होल्स, खड्डे भरे रास्ते या हाईवे के ऊपर आपको चलना पड़ता है तो भी आप टियागो और फिगो में से ले सकते हैं, वो आपका बजट पे डिपेंड करता है। और बाद में उन्होंने पूछा कि वैल्यू फॉर मनी मेरे को वेरिएंट भी बताइए। तो दोस्तों वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, इनके अंदर काफ़ी सारे वेरिएंट्स में फ़र्क बहुत ज़्यादा है, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कौन से वेरिएंट में क्या चीज़ आपको चाहिए, क्योंकि बाकी सारी बातें रह जाती हैं फ़ीचर्स की। तो उस हिसाब से अगर आप फ़ीचर्स देख लीजिए जो आपको पसंद है, या कोई चीज़ ऐसी है जो आफ्टर मार्केट आप लगवा सकते हैं उसको अवॉइड कर सकते हैं, जो चीज़ बाहर से नहीं लगवा सकते तो उसको बीच में ले लीजिए जो आपको बहुत ज़रूरी लगती है, तो वो वाला वेरिएंट आप ले सकते हैं। तो वैल्यू फॉर मनी आपकी ज़रूरत के हिसाब से बन जाता है वो। तो बताइएगा दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो के अंदर मैंने ये सारे आस्पेक्ट जोड़ने की कोशिश की, मेरे को लगता था कि ये सारे आस्पेक्ट हर एक किसी के डिमांड के होंगे। तो वीडियो पसंद आया तो एक लाइक का बटन जो दबा दीजिएगा, सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें और तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।